अगर आप सिंपल पे लेटर की लिमिट को यूज कर लेते हैं और इसका जो बिल है वो रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना होगा? और एक सवाल और है मेरे यूजर्स भाइयों का कि सर, अगर हम सिंपल पे लेटर की लिमिट को यूज करके भूल जाए, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि हम इसका जो पैसा है वो रीपेमेंट ही ना करें, तो हमारे साथ में क्या होगा? देखो भाई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिंपल पे लेटर एक वो पे लेटर है जहां पर आपको अच्छी खासी लिमिट भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर लिमिट मिलती है वो बगैर डॉक्यूमेंट्स की मिलती है, यानी कि विदाउट केवाईसी की आपको यहां पर लिमिट मिलती है। तो बस यही कन्फ्यूजन रहता है सभी दोस्तों के मन में कि देखो, ना ही इसने हमारा पैन कार्ड लिया, ना ही आधार कार्ड लिया, ना ही एड्रेस प्रूफ लिया, ना ही हमारी फ़ोटो ली, और सिर्फ मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला और मिल गई क्रेडिट लिमिट। सो अगर ऐसे में हम इसकी लिमिट को ना चुकाएं तो हमारे साथ में क्या होगा? ठीक है। सो देखो यार, मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके मन में सवाल है जी बिल्कुल बेकार का है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंपल पे लेटर का पैसा टाइम से रीपेमेंट नहीं करते तो इस पे आपको लेट पेमेंट चार्ज दिन लगेगा। ठीक है, और लेट पेमेंट चार्ज कितना है वो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कल परसों के दिन वीडियो बनाऊंगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका लेट पेमेंट चार्ज कितना है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जिसके दिमाग में ये ख्याल चलता होगा कि इसकी जो लिमिट मिलती है वो विदाउट केवाईसी की मिलती है तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको लिमिट मिलती है वो विदाउट केवाईसी की तो मिलती है, लेकिन आपका पूरा बायोडाटा इनके पास में रहता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी हम सिम कार्ड लेने जाते हैं वो आधार कार्ड से मिलती है, ठीक है, और आधार कार्ड से पैन कार्ड बनता है, यानी कि एक सिम कार्ड में आपको मैं बता दूँ कि सिम कार्ड के ही जरिए आपका आधार कार्ड एंड आपका पैन कार्ड ये एप्लीकेशन फैच कर लेती है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट देती है। अगर आपका सिविल स्कोर बिल्ड होगा तो आपको यहाँ पर अच्छी क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, अगर डाउन होगा सिविल स्कोर तो आपको यहाँ पर कम क्रेडिट लिमिट मिलेगी। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट टाइम में सभी को लगभग 500 रुपये ही मिलता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाती है अगर आप टाइम टू टाइम पैसे रीपेमेंट करते रहते हैं तो। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर हम पैसे ना चुकाएं तो क्या होगा? तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है वो इंडिया की नहीं है, ये एक चाइनीज कंपनी है, और इनका कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है, ये सिर्फ बात करने का ऑप्शन दे के रखी है सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा है और आप इसका पैसा रीपेमेंट नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास कॉल आएंगे, पहले कंप्यूटरी कॉल आएंगे, फिर हो सकता है आपको कॉलिंग नंबर के साथ कॉलिंग किया जाए और आपसे बात की जाए कि आप पैसा को रीपेमेंट कर दो। ठीक है, अगर फिर भी आप इनका पैसा रीपेमेंट नहीं करते तो ये आपकी जीमेल आईडी के थ्रू आपके पास में नोटिस भेजेंगे, यानी कि आपके मेल में नोटिस भेजेंगे कि भाई आपको पैसा रीपेमेंट करना होगा। अगर फिर भी आप इनका पैसा रीपेमेंट नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके अकाउंट को हमेशा के लिए फ्रिज कर दिया जाएगा। फ्रिज का मतलब उसके बाद आपको कभी भी यहाँ से लिमिट नहीं मिलेगी और ना ही आप यूज कर पाएंगे। फिर आप किसी भी मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंट फ्रिज ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने ये वाला अकाउंट फ्रिज किया था। ठीक है, और फ्रिज करने के बाद मैंने दूसरे मोबाइल नंबर से जैसे ही अपना अकाउंट बनाने की कोशिश किया ना, तो वहाँ पर दोस्तों फ्रिज ही दिखाया। ठीक है, सो मेरे भाई, बस आपके साथ में यही होगा, आपका अकाउंट फ्रिज कर दिया जाएगा। इसके साथ आपके इसके बाद आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इन पैसों को यूज करने का, और ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं होगा, ना ही पुलिस केस होगा, ना ही आपको कुछ भी होगा। घबराएं नहीं, बस सही तरीके से आप इसको यूज कीजिएगा और टाइम से रीपेमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरा जो ओपिनियन ये रहेगा कि आप दोस्तों पैसा रीपेमेंट कर दो,
इससे दोस्तों आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी। सुबह इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।